नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आशा है कि आप अपनी तैयारी में जुटे होंगे और हमारी तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है इसका लाभ आप लोग उठा पा रहे होंगे। हम लोगों ने लोक प्रशासन और इकोनॉमिक्स के बाद हमको पेपर 7 के बारे में देखना है। पेपर 7 पार्ट 1 में कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून है। कल्याणकारी मतलब वेलफेयर, डेवलपमेंटल मतलब विकासात्मक, यानी डेवलपमेंटल और वेलफेयर अप्रोच के साथ जो भी कानून बनाए गए हैं वो पेपर 7 पार्ट 1 में दिए गए। इसके तहत आपको इंडियन एक्ट भी मिलेंगे और छत्तीसगढ़ एक्ट भी मिलेंगे। इसका सीधा सा मतलब है बेटा कि जो एक्ट भारतीय संसद के द्वारा पारित किए गए हैं वो भी आपको मिलेंगे यहां पर, और जो छत्तीसगढ़ की विधानमंडल यानी विधानसभा और राज्यपाल के द्वारा पारित किए गए हैं वो भी आपको यहां पर मिलेंगे। थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं कि सर कोई भी कानून यदि बनता है तो विधायिका उसको निर्माण करती है, और यदि केंद्र की विधायिका की मैं बात करूं यहां पर तो केंद्र की विधायिका मतलब संसद और राज्य की विधायिका मतलब विधान मंडल। सो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंटर एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, वहीं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ का विधानमंडल विधानसभा और गवर्नर को लेकर के बनता है। यानी कोई भी कानून बनाना है तो पहले विधानसभा में जाएगा और उसके बाद गवर्नर के साइन से वो बिल, वो विधेयक कानून बन जाएगा। ऐसा ही संसद में होता है, जहां कोई भी बिल बनाना है, कोई भी कानून बनाना है बिल को, तो बिल के रूप में आएगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो बिल कानून बन जाएगा। तो यहां पर आपको पेपर 7 पार्ट 1 में संसद द्वारा पारित कानून भी मिलेंगे जिनको हम इंडियन एक्ट कहेंगे, ठीक है, और स्टेट द्वारा पारित कानून भी मिलेंगे जिनको हम लोग छत्तीसगढ़ एक्ट कहेंगे, ठीक। इसका एग्जाम्पल मैं दूं तो घरेलू हिंसा अधिनियम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये सब संसद से पारित हुए हैं। छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूं तो आप देखेंगे टोनी प्रताड़ना अधिनियम यहां पर है, छत्तीसगढ़ के विधानमंडल से पारित हुआ है। फिर यदि आप देखें तो आपको दिखाई देगा दहेज निवारण कानून 2004 में जो पास हुआ है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के भी कानून पढ़ने और इंडिया के भी कानून पढ़ने। छत्तीसगढ़ के कानून मतलब छत्तीसगढ़ के विधानमंडल से पारित, और संसद के कानून केंद्र के कानून यानी छत्तीसगढ़ की मतलब केंद्र की देश की संसद से पारित, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि आपके सिलेबस में सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान यानी सोशल लेजिस्लेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बेसिक देखिए, सबसे पहले यहां पर कस्टमरी लॉ के बारे में पूछा हुआ है। कस्टमरी लॉ या जिनको प्रथागत कानून भी बोलते हैं, प्रथागत कानून, हालांकि यहां पर हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही पूछा हुआ है कस्टमरी लॉ। तो ऐसी प्रथाएं जो बाद में कानून का रूप ले लेती हैं, ऐसी प्रथाएं जो बाद में कानून का रूप ले लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय समाज में मध्यकालीन इतिहास में आप देखेंगे तो सती प्रथा आपको नजर आएगी और बाल विवाह आपको नजर आएगा। तो आप देखेंगे कि समाज इनको स्वीकृति प्रदान नहीं करता, लेकिन समाज में ये बुराइयों के रूप में, सोशल एविल्स के रूप में सामने आती हैं। तो सती प्रथा और बाल विवाह नहीं होना चाहिए। यदि ये प्रथा कानून बन जाए तो ये कहलाएगा कस्टमरी लॉ यानी प्रथागत कानून। तो यदि कोई प्रथा है, यदि कोई प्रथा चली आ रही है तो उसके लिए यदि कोई कानून बन जाए तो कस्टमरी लॉ कहलाएगा। जो सती प्रथा है, जो बाल विवाह है, सोशल एविल्स थे यानी सामाजिक, यदि आप देखें इसको तो समाज में ये एक कैंसर के रूप में सती प्रथा और बाल विवाह समाज को खोखला कर रहे थे, तो इसके विरुद्ध कानून आया, ये कहलाएगा कस्टमरी लॉ। जैसे हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, तो ये जो हिंदू परिवार है वहां उत्तराधिकार के लिए, वहां भरण पोषण के लिए जो अधिनियम आया 1956 में, हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो ये जो कस्टम्स थे जिनके संबंध में लॉ बने हैं कहलाएंगे कस्टमरी लॉ। यदि आप विश्व स्तर पर भी देखें तो बाल अधिकारों की बात, चाइल्ड राइट्स की बात हर जगह होती है, हर देश में होती है, और ये भी हर देश में कस्टमरी लॉ का रूप ले चुका है। जैसे हमारे यहां आर्टिकल 24,
बच्चों के शोषण का विरोध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जहां 14 वर्ष से कम के बच्चे किसी भी संस्थान में काम नहीं कर सकते। देखेंगे आप ये सारे कस्टमरी लॉज होते हैं, तो कस्टमरी लॉज के आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि कस्टमरी लॉज वो लॉज होते हैं, वो कानून होते हैं जो प्रथा के अनुसार बन करके तैयार हुए हैं, ठीक है, और जिनको एक कानूनी स्वरूप दे दिया गया है, लीगल सैंक्शन दे दिया गया है, क्या कहलाते हैं, कस्टमरी लॉ कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर आप देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अय्यंकाली का भारतीय समाज में क्या योगदान रहा है। देखिए अय्यंकाली बेसिकली त्रावणकोर के थे और इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, यानी जो निचली जातियां थी जिनके साथ में शोषण हो रहा था उनका रोकने का उन्होंने प्रयास किया, यानी उनको सामाजिक आर्थिक आधार, सामाजिक आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए अय्यंकाली ने काम किया। तो अय्यंकाली एक महान संत हुए दक्षिण भारत के त्रावणकोर में, इन्होंने जाति प्रथा छुआछूत, इसको हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, अस्पृश्यता को हटाने के लिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति में निचली जातियों के सुधार करने के लिए, सोशल इकोनॉमिक लेवल में सुधार करने के लिए इन्होंने योगदान दिया है, ठीक है, अय्यंकाली। तो ध्यान रखेंगे अय्यंकाली। देखिए यदि अय्यंकाली की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अय्यंकाली से संबंधित और आप देखें तो उस समय में राजा राम रोहन रॉय काम कर रहे थे, उस समय आप देखें तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर काम कर रहे थे, तो इस प्रकार के जो समाज सुधारक रहे हैं उनका भी नाम आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उनके बारे में यदि क्वेश्चन आता है तो दो दो लाइन आप लिख सकें, ऐसी आपकी तैयारी यहाँ पर होनी चाहिए। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह के संबंध में क्या प्रावधान, इसको यदि आप नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं आर्टिकल 21 से। संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू प्रिवेसी और निजता के अधिकार के अंतर्गत अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, यानी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह के संबंध में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति अनुच्छेद 21 का परिपालन करते हुए अपनी मर्जी से अपने मनपसंद व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उससे वो विवाह कर सकता है, विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो ये छोटी मोटी चीजें दो दो नंबर में पूछी हुई है आपसे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा करके भी आप जवाब दे सकते हैं, यहाँ आर्टिकल 21 से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सोशल लेजिस्लेशन संबंधित कुछ क्वेश्चन आए यहाँ पर। अब अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आते हैं, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। आप देख पा रहे होंगे कि सर क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन बेटा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में अभी तक आप देखिए तीन बार पूछा हुआ है, 21 में, 18 में और 22 में, और तीनों बार आप देखेंगे तो आयोग, आयोग और आयोग, यानी पूरा फोकस इस पर कहां पर है, इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर, ठीक है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बेसिकली क्या है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम यदि हम समझना चाहें तो ये आया ही है मानव, जैसा नाम से ही क्लियर है, मानव अधिकारों को संरक्षित करने के, जो प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। दूसरी बात यदि मैं करूं तो ये राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग स्थापित करने की का प्रावधान करता है ना, प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। साथ ही साथ ये मानवाधिकार न्यायालय यानी ह्यूमन राइट्स कोर्ट भी स्थापित करने का प्रयास करता है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के क्या क्या आप देखेंगे यहां पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मानवाधिकारों को संरक्षित करना, राष्ट्र और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना करना, मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना करना, ठीक है, ये हर जिले में मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्य हो गए, और इसी उद्देश्य के अंदर आयोग का गठन किया जाता है। ध्यान रखेंगे बेटा यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यदि हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान में हमको आर्टिकल्स दिखाई देते हैं, संविधान में जो नियम और कानून होते हैं उनको हम अनुच्छेद कहते हैं, उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं, लेकिन किसी भी एक्ट में यदि नियम कानून है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे धाराएं या सेक्शंस। तो ध्यान देंगे कि कोई भी नियम कानून यदि संविधान में है तो उसको हम लोग आर्टिकल या अनुच्छेद कह देते हैं, लेकिन कोई भी एक्ट जो संसद के द्वारा पारित हुआ है केंद्र में या राज्य के द्वारा पारित हुआ है विधानमंडल में, उसको हम लोग धाराएं या सेक्शंस कहते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने कहा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम एक अधिनियम है, तो अधिनियम में क्या होंगी सर, धाराएं।
और यदि अधिनियम में धाराएं होंगी और अधिनियम का ये उद्देश्य है कि राष्ट्र स्तर पर और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग की स्थापना करना, यानी किसी न किसी अधिनियम के किसी न किसी धारा में किसी न किसी सेक्शन में इन दोनों की बात की गई होगी, तो ध्यान सुनना, एक तो धारा 3 आपको याद रखना है और एक याद रखना है 3-7-21, 3 और 3-7-21। 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की गई बेटा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात की गई है, और धारा 21 में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की गई। तो एक है आपका NHRC और एक है आपका SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन 21 में है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 3 में। 3-7-21 आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि जब भी आयोग के बारे में पूछ रहा है यानी आपको धारा भी पता होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है यहां पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है। तो सबसे पहले देखिए कि होते कौन है अध्यक्ष और सदस्य। यदि मैं NHRC की बात करूं, धारा 3 की बात करूं, और ऐसे ही आपका SHRC भी चलेगा यानी राष्ट्रीय के जैसा ही आपका राज्य मानवाधिकार आयोग चलेगा। इसमें यदि मैं अध्यक्ष की बात करूं बेटा, चेयरपर्सन की बात करूं, तो एक अध्यक्ष होता है जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड CJI होता है, ठीक। फिर यदि आप देखें तो यदि सदस्यों की बात करें यहां पर, तो एक होता है सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, एकदम सिंपल है। अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है, सदस्य जो होता है वो रिटायर्ड जज होता है, एक और सदस्य होता है जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है, हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। तो एक अध्यक्ष हो गया सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, एक सदस्य हो गया हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, और एक सदस्य हो गया सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश। क्योंकि आप जैसा जानते होंगे कि एक अध्यक्ष और एक आपका जज चीफ जस्टिस और 33 अन्य जज आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में है, यानी हमारे चीफ जस्टिस जो है डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और उनके साथ में 33 अन्य जज हैं, ठीक है। फिर 3 सदस्य और होंगे जिनमें से एक महिला का होना आवश्यक है, चाहे तो 3 महिलाएं हो सकती हैं, 2 महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन एक का होना बहुत आवश्यक है, और इन सबको मानवाधिकार के क्षेत्र में कुछ ना कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। तो प्रोफेसर हो सकते हैं, है ना, रिसर्चर्स हो सकते हैं, एकेडमिशियंस हो सकते हैं, तो 3 लोग जिनको मानवाधिकार क्षेत्र में नॉलेज हो। याद रखना धारा 3 के तहत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और टोटल 5 सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, है ना, 3 में से 3 सदस्यों में से एक महिला होनी चाहिए जिसका मानवाधिकार क्षेत्र में क्या है, ज्ञान है। तो ये तीनों के तीनों का मानवाधिकार क्षेत्र में ज्ञान होना चाहिए, इसमें से एक महिला भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पर ये जो अध्यक्ष और सदस्यों की बात की गई है उससे संबंध में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है और कौन करता है। सबसे बड़ी बात सर ये तो अपन ने संरचना देख ली, यदि संरचना पूछ लेता है तो, क्योंकि यदि आप देखें यहां पर तो क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति, तो इसमें सब कुछ बताना पड़ेगा कि गठन किसके अनुसार होता है, धारा 3 के अनुसार होता है, और गठन धारा 3 के अनुसार होता है, अध्यक्ष कौन होता है, कितने सदस्य होते हैं। अब इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसकी सिफारिश पर की जाती है, देखिए किसकी सिफारिश पर की जाती है, तो ध्यान से सुनेंगे और कौन करता है। देखिए कोई भी नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति ही करता है वो नियुक्ति, केंद्र में कोई भी नियुक्ति किसके हस्ताक्षर से होती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होती है। तो याद रखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक। लेकिन ये अपने मन से नहीं करता, ये एक समिति की सिफारिश पर करता है बेटा, और इस समिति, ये समिति बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस समिति में मोदी जी भी हैं यानी प्रधानमंत्री, अमित शाह जी भी हैं यानी गृह मंत्री, मोदी जी भी हैं यानी प्रधानमंत्री, अमित शाह भी यानी गृह मंत्री, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष है और
लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता, तो लोकसभा का अध्यक्ष भी है और साथ में लोकसभा से विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो विपक्षी पार्टी का नेता माना जाता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को कहते हैं, लोकसभा विपक्ष का नेता जो दूसरी पार्टी होती है उसके नेता को कहा जाता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्य सभा, मैं यहां पर लिख के छोड़ रहा हूं, राज्य सभा में विपक्ष का नेता। सर इसको क्यों छोड़ दिए? छोड़े नहीं बेटा, समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है कौन सी समिति की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, द कमेटी विच रिकमेंड्स द नेम ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उस समिति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो राष्ट्रपति जिसकी सिफारिश पर नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है, किसकी? एक अध्यक्ष की और बाकी सदस्यों की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग धारा 3 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ध्यान से सुनिएगा, ये जो राज्यसभा है बेटा, इसमें लोकसभा में तो अध्यक्ष है, राज्यसभा में कौन होना चाहिए? सभापति। लेकिन यही मामला फंस जाता है क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसलिए राज्यसभा के सभापति को नहीं, राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं, उसके डेप्यूटी चेयरमैन यानी उप सभापति को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। देखिए कितना बढ़िया लॉजिकल है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। सर केंद्र में कोई भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन सी समिति की सिफारिश पर करेगा? जिस समिति में प्रधानमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, विपक्ष का नेता, राज्यसभा में सभापति नहीं होगा सर, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और राज्यसभा के विपक्ष का नेता। तो ये जो 6 लोगों की समिति बेटा, ये नाम रिकमेंड करती है और इसी रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति यहां पर आप देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में क्या करता है, नियुक्ति करता है। सेम टू सेम आप देखेंगे, यदि आपसे राज्य का तो पूछा नहीं है, यदि राज्य का पूछ दिया तो धारा 21 आप बताएंगे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के सेक्शन 21 के तहत स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब जब यहां पर नियुक्ति की जाएगी राज्य में, तो राज्य में नियुक्ति कौन करेगा बेटा? राज्यपाल करेगा, याद रखना, राज्य में नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और समिति देखिए, यहां पर समिति में प्रधानमंत्री, वहां पर कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री। यहां देश के गृह मंत्री है, यहां राज्य के गृह मंत्री अमित शाह और विजय शर्मा, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर है तो क्या हो जाएगा? विधानसभा का स्पीकर या विधानसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा के विपक्ष का नेता है तो क्या हो जाएगा? विधानसभा के विपक्ष का नेता। अच्छा रही बात राज्यसभा की, तो आपको मैंने बताया था कि विधानमंडल में विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है और गवर्नर होते हैं। तो विधान परिषद मात्र कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। तो यहां पर 6 राज्यों में विधान परिषद के भी सदस्य आएंगे समिति में, लेकिन बाकी राज्यों में जहां जहां विधान परिषद नहीं है उसके सदस्य वहां पर नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा, विधान परिषद का सभापति यानी आपका चेयरमैन और विधान परिषद का विपक्ष का नेता, ये दोनों के दोनों इस समिति में होंगे जो रिकमेंड करेगी किसका नाम, याद रखेंगे, जो रिकमेंड करेगी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का नाम, ठीक। चलिए यदि अब आपको कितना समझ में आ गया, तो आप आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है, आपने समिति बता दी, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर गठन देखेंगे, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में यहाँ पर देखिए 2 नंबर में पूछा हुआ था, यहाँ पर आपको 15 नंबर में पूछा हुआ है। तो यहाँ सिर्फ कौन सी समिति की सिफारिश पर की जाती है ये पूछा है, जबकि यहाँ पर क्या पूछा है? गठन बताइए, तो धारा बताएंगे। यहाँ पर आपको धारा बताने की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष कौन होता है वो बताएंगे, अन्य सदस्यों के बारे में बताएंगे, जबकि यहाँ पर अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के बारे में नहीं बताना है, खाली समिति के बारे में बताना है। यहाँ पर गठन के बारे में बताएंगे, धारा 3 अध्यक्ष के बारे में बताएंगे, सदस्यों के बारे में बताएंगे, उसके बाद उनकी नियुक्ति किस समिति की सिफारिश पर होती है वो आप बताएंगे, और उसके बाद में आयोग के कृत और शक्तियों को या यहाँ पर कार्यों को पूछा हुआ है, यहाँ 4 नंबर में और यहाँ पर 15 नंबर में। तो ध्यान से सुनेंगे कि आप यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य लिख रहे हैं या उसकी शक्तियां लिख रहे हैं तो क्या क्या कार्य होंगे? सबसे पहला सर, सबसे पहला इसका कार्य होगा मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, टू डू रिसर्च इन द एरिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करने का काम करेगा। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानव अधिकार आयोग की शक्तियां
शक्ति सिविल न्यायालय के बराबर बेटा याद रखेंगे। तो ये सिविल मामलों में इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, मानवाधिकार आयोग को की शक्ति सिविल न्यायालय के बराबर है। दूसरी चीज याद रखेंगे, सिविल कोर्ट जो संपत्ति उत्तराधिकार विवाह विच्छेद ये सब मामले देखता है ना, जिसको आपराधिक मामले नहीं है उन मामलों में इसको न्यायालय की शक्ति है। तीसरा मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करेगा, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करेगा। तो जितने ज्यादा वो मानवाधिकारों को लोगों तक पहुंचा सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, वो करने का काम करेगा। एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट है, देखिए मानवाधिकारों के संबंध में अनुसंधान करेगा, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा, डू रिसर्च इन द ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार आयोग की सबसे जो शक्ति है वो किसके अनुसार है, सिविल न्यायालय के अनुसार है। ये मानवाधिकार आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मानवाधिकार आयोग की शक्ति सिविल न्यायालय के बराबर है। राज्य मानवाधिकार आयोग पूछेगा तो भी उसकी शक्ति आप बताएंगे सिविल न्यायालय के बराबर है, ठीक है। सिविल मामलों में मतलब ये न्यायालय को समीक्षा कर सकता है, न्यायालय को अपनी राय दे सकता है। तो याद रखेंगे सिविल न्यायालय का मतलब क्या है, शक्ति की मतलब क्या है यहां पर, मानवाधिकार संबंधी मामलों में न्यायालय को राय प्रस्तुत कर सकता है, कैन गिव एडवाइस टू द कोर्ट्स इन द मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, ठीक। अब आप देखेंगे यदि एक और पॉइंट हम यहां पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ मिलकर मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करेगा। तो इतना आप लोग याद रखेंगे कि यहां पर आपको यदि शक्तियां पूछती हैं, कार्य पूछते हैं, तो आप नंबर देखिए यहां पर 4 नंबर और यहां पर आपको टोटल 15 नंबर पूछा हुआ है। तो आयोग का गठन, अध्यक्ष, सदस्य, समिति बता देंगे और कृत्य और शक्ति आप 4 यहां पर बताएंगे कि मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, डू रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। दूसरा मानवाधिकार आयोग की शक्ति सिविल न्यायालय की तरह है, इट हैज द पावर एज द सिविल कोर्ट, दैट मींस इट कैन एडवाइस टू द कोर्ट्स इन द मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। थर्ड इज मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करेगा, इट विल द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विल रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, इट विल एडवर्टाइज and it will spread the message regarding the human rights in the society। आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, मानवाधिकार आयोग गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ मिलकर मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करेगा, that means the human national human rights commission will work with the NGOs etc non governmental organization जिनको हम गैर सरकारी संगठन बोलते हैं in the field of human rights। तो ये 4 आप इसकी शक्तियां लिखेंगे, ये 4 आप इसकी पावर लिखेंगे और याद रखिए इसके शक्ति क्या है, सिविल न्यायालय के रूप में ये मानवाधिकार मामलों में जांच भी कर सकता है और जांच कर न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय जो डिसीजन देता है वो इसी रिपोर्ट के आधार पर मानवाधिकारों के क्षेत्र में देता है, ठीक है। इवन यदि राज्य मानवाधिकार आयोग आए चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आए, दोनों में आप यही शक्तियां लिखेंगे, यही कार्य लिखेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग धारा 3 में गठित किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग धारा 3 में गठित किया गया है और राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो धारा 21 में गठित किया गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। Thank you.